फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। फ्रेंड्स, इससे पहले वाले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि हमारे यहाँ दिलदारी हो रही थी, पूजा थी, तो नाइट में दिलदारी हुई थी, तो काफ़ी सारे कमेंट आए आप सभी के। और अभी जो है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्यू है, और अभी नेक्स्ट डे हम सब मंदिर में आ चुके हैं तैयार होके। तो यहाँ पर अभी चल रही है पूजा, हवन वगैरह होगा, तो बने रहिए आप सभी हमारे साथ। और आज है भंडारा, तो पूजा होने के बाद भंडारा होगा। और यहाँ पे देखिए टीका वगैरह लगाया जा रहा है, तो पंडित जी टीका लगा रहे हैं। तो अभी हवन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो पूजा वगैरह होगी और सारा यहाँ पे तैयारियाँ कर दी गई हैं हवन करने की, और सभी लोग बैठ चुके हैं। तो हम लोग भी आ गए थे तैयार होके, तो बस बने रहिए आप सभी, स्किप मत करिएगा वीडियो को, देखते रहिए हमारे साथ। आप भी आ गए थे भाभी से? नहीं तो फिर वही, मैं तो थोड़ी सोई, फिर ना आया धोया। बिल्कुल नहीं सोई मैं तो, एक मिनट भी, मैं तो थोड़ी देर रहा, नींद थोड़ी आती है, तो तीन उतनी सोए थे। फिर मैं खाली नहीं छोड़ते, उस समय खाली हो गई थी। और चंद्रमा मन दो तो यहाँ पे मंत्रोच्चारण शुरू हो चुके थे और सभी लोग बैठे हैं। जो लोग यहाँ पे हवन के लिए बैठे हैं, सभी का व्रत है, तो अभी सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया है, तो सभी व्रत हैं, व्रत करके ही बैठे हुए हैं यहाँ पे। और ये वीडियो बेटी रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे धूप भी बहुत तेज़ हो रही थी और मैंने उसको दे दिया था फ़ोन। और यहाँ पे देखिए साइड में चल रही है तैयारी, तो जब खाना वगैरह बन जाएगा उसके बाद ही खिलाया जाएगा प्रसाद, तो तब तक तैयारियाँ हो रही हैं खाने बनाने की। ये साइड वाला कमरा मैंने आपको दिखाया था, तो वहीं पर बनेगा खाना। तो यहाँ पर सभी अभी कटिंग वगैरह चल रही है, तो जो जो बनने वाला है रायता वगैरह, तो खीरा कसा जा रहा है, आलू वगैरह बॉयल कर दिए हैं सब्जी के लिए, तो सभी लोग लगे हुए हैं यहाँ पे, एक दूसरे की मदद करवा रहे हैं। और तभी जो है फटाफट से खाना वगैरह बना लिया जाएगा, तो आप बने रहिए हमारे साथ, स्किप मत करिएगा वीडियो, दिखाते हैं आपको आगे आगे पूरी पूजा कैसे की जा रही है। वैसे ये तो है यूट्यूबर, बनाई रही होगी फर्स्ट क्लास। ओम भूर्वस्व गणपते स्वाहा, गौरये स्वाहा, पद्माये स्वाहा, सच्चये स्वाहा, मेधाये स्वाहा, सावित्रे स्वाहा। गोकरम करेंगे, चक्षुषा पितामह गो को करेंगे, श्रोत्रम च पितामह कानों को करेंगे, यशो बलम च पिता सर्वांगानी च पिताम, सब पहले कमर अमर दे सकते सर्वांगानी च पितामह। ज्वादत्त
संपन्न। और अब यहाँ पे कन्याओं को भोग लगाया जा रहा है, सभी कन्याओं को बैठा दिया गया था और उन्हें प्रसाद वगैरह भी जो चुनरी वगैरह हैं श्रृंगार का सामान सब दिया जा रहा है और उसके बाद भोग लगाया जाएगा और फिर हम लोग भी प्रसाद ग्रहण करेंगे सभी लोग। तो पहले कन्याओं को लगाते हैं भोग और फिर करेंगे प्रसाद ग्रहण, तो बने रहिए आप सभी। और उसके बाद हमें घर निकलना है टनकपुर के लिए, तो प्रसाद वगैरह हम ग्रहण करेंगे उसके बाद जाएंगे। तो जय माता की। छोटा भी तो है, ये कहाँ गया? एक उधर और था। हाँ, इनको श्रृंगार दो, पहनाओ श्रृंगार, तुम लोग पहनाओ श्रृंगार वगैरह, तुम पहनाओ सब। इसके बाद भोग लगाओगे, भोग लगाने के बाद जो है फ्रेंड्स पूजा वगैरह अच्छे से निपट चुकी है और बस हम लोग भी प्रसाद ग्रहण करते हैं और फिर निकलते हैं सीधे टनकपुर के लिए और वहीं मिलते हैं आप सबसे। ये लोग बाग पीलीभीत से पहुंच चुके हैं यहाँ पे, बड़े दिनों के बाद ये पार्टी देने आए हैं पीलीभीत से। बहुत बार कहते कहते फाइनली आज पार्टी मिल रही है हमें पीलीभीत वालों से। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बच्चे बेचारे रेडियो के क्या देख रहे हैं, अब तो चेंज हो गया है इनका शॉर्ट्स, वरना मैं दिखाती अभी आपको। एक लड़की तो वो देखी इत्मीनान से रेस्ट करके देख रही है वीडियो, फुल रिलैक्स में है। निकल चुके हैं फ्रेंड्स बाहर और अभी बाकी सब अंदर हैं, तो हमारी 20-22 की टीम तैयार है यहाँ पे और सब जा रहे हैं होटल बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन के लिए। फ्रेंड्स हम लोग पहुँच गए हैं प्रतीक रेस्टोरेंट जहाँ हम हमेशा जाते हैं, तो आज है सुबह का बर्थडे जो है बुआ जी की नातनी उनका, तो बुआ जी का भी हम सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे अच्छे से, तो 12 तारीख को था, हम लोग उस समय पूजा में थे, तो आज दोनों लोगों का बर्थडे सेलिब्रेशन किया जाएगा, सुबह का भी और बुआ जी का भी, तो दादी और पोती दोनों का सेलिब्रेशन आज ही होगा। तो सभी लोग आ चुके हैं, भैया लोग भी पहुँच चुके हैं सभी लोग, तो करते हैं पार्टी इन्जॉय बर्थडे सेलिब्रेशन। तो बने रहिए आप भी हमारे साथ और आप भी इन्जॉय करिए। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, आपका कमेंट जो हमें मोटिवेट करता है। तो बने रहिए आप सभी लास्ट तक और देखते रहिए हमारा वीडियो।
फ्रेंड्स डांस वगैरह हो चुका था और डिनर लग चुका था यहाँ पे। तो मंचूरियन है, मिक्स वेज है और बटर पनीर मसाला और रायता है, रोटियाँ हैं और फ्राइड दाल है। तो चावल वगैरह बाद में मंगाएंगे और उसके बाद अभी पहले फटाफट से डिनर कर लेते हैं। तो बच्चे भी वेट कर रहे हैं, बैठे हुए हैं सभी लोग, तो उसके बाद करेंगे फिर केक कटिंग। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। तो डिनर फिनिश हो चुका था फ्रेंड्स और यहाँ पे फ़ोटो वगैरह क्लिक करा रहे थे। तो एक साइड पे चल रहा था केक कटिंग का प्रोग्राम और एक साइड हो रही थी फ़ोटो क्लिक वगैरह। तो जो जो फ्री है अपना फ़ोटो क्लिकिंग करा रहा है और साइड में केक कटिंग का प्रोग्राम भी चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए सब खाना वगैरह फिनिश हो चुका है और सारे बर्तन साइड किए जा रहे हैं। तो यहाँ प्रिपरेशन हो रही है केक कटिंग की। तो चलिए फटाफट से केक कट करते हैं और फिर थोड़ा सा डांस वगैरह करके घर को निकलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, आज बहुत लंबा ट्रैवल हो चुका था। लड़की को ध्यान से देखा जाए, आज इस लड़की का बर्थडे है और इसके बर्थडे का कट करने जा रहे हैं यहाँ पे केक। रचू, किसका बर्थडे है आज? किसका बर्थडे है? मेला 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 बर्थडे हाथ में चलेगा। अरे मेरी बारी का भाई की मुझे बता क्या बोल रहा है। मेरी बेटी बहुत प्यारी है, हमेशा प्यारी रहेगी। थैंक यू। इसने साफ कर दिया, साफ कर दिया। थैंक यू। फिर भगवान जी का इसलिए वो कहते ना, ये निकाल के नाक के खा लो। ऐसे साफ नहीं करते, गलत बात है, नो जी ऐसे साफ नहीं करते। हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू बाबू। चलो आप इसी से देख लो। आपने खिला दिया? हाँ, बस केक खा लो। बाकी तो ढोल मोल नहीं खा रहा है। ढोल मोल चल रहा है। सारी सफेद हो गई आज। सारी सफेद हो गई। सारी सफेद हो गई। और ना वाइट हो गया। बुढ़िया हो गई यार। सारी सफेद हो गई। संध्या नवीन तुम जाओ। एसीएल कर दिया है। संध्या वाला। सीधे मुंह पे। आधा मिस्टेक लाया। कुछ खाने लायक है नहीं। तुम लोग भी जाओ, हम भी जाओ। खाने लायक है, लगाने लायक है। खुशी, चलो।
जाओ चलो इधर देखो सब एक साथ खड़े हो जाओ बेटा गिफ्ट वो ना तुमने कहा अरे कैप्टोले चलो बैठिए